शीला और पिंड की कुड़ी वो एक सत्त कु साल दे को बच्ची दे कप किया और जिंदगी पहली बार कैमरे के सामने आई वो बच्ची पहली बार जी सी उन्हें अपनी जिंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड कराया लंघा जा पत्तर चलाता यार तो वह मैडम नूरजहां सी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नजायज पैसे वाले अनपढ़ और वो लोग आ गए जिन्होंने माइंड के अंदर जरा सी वो अगर कुछ है सी तो वह सिर्फ और सिर्फ सैक्स से या उन्होंने अंदर जरा सी वो मारताड़ से पैसा कमाना सी। उन्होंने कोई तहजीब कोई तमद्दन कोई जबान कोई इज्जत कुछ नहीं वेख्या उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की कीती वो सारे बर्बाद हो गए। एक कला सूबा जड़ा सी वो पंजाब से जिदे कोलो उदी मदर टंग का हक होया गया राज कीता भी उन्होंने नवे तालीमी अदारे बनाए नवियां उन्होंने अपनियां सोचा दित्तियां नवियां अकलां दित्तियां और उन्होंने नवियां अकलां दे विच असी बेअकल हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर ढिल्लों, तुसी जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर दे नाल। अज मैं कसूर दे विच लल्याणी पिंड बिल्कुल लैफ्ट साइड ते दफतू पिंड है। इत्थे 2001 तो एक अदारा कायम है, एक तंजीम कायम है जिहदा नाम पंजाबी खोजगढ़। बिल्कुल नहर दे कंढे ते पंजाबी खोजगढ़ बनाया। किन्हां ने बनाया पंजाबी खोजगढ़ दे जिहड़े रूह रवा ने जिहड़ा उहनूं सारा वेखदे ने बाबा जी इकबाल कैसर हिस्टोरीयन ने महक्क ने पंजाब ते जे आपां गल करिए जैन मंदिर दी उत्ते काम इन्हां दा बहुत सारा काम पंजाब दी जिहड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ने उन्हां ते इन्हां दा बहुत सारा काम। उस तों हट के पंजाब ते हुण तक जिन्नियां पंजाबी दे विच फिल्मां बणियां उन्हां ते इन्हां ने कुछ चीज़ां प्रिजर्व कीतियां। इह सारियां चीज़ां अज तुहानूं विखावांगे ते नाले अज दी गल्लबात करांगे। चलदे आं खोजगढ़ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है बाबा जी? बहुत शुक्रिया ताड़ी मोहब्बत। तुसीं एडी खूबसूरत चंगी जगह ते सानूं अज आउण दा मौका दिता ते गल्लबात करन दा मौका दिता ते अज दी आपां गुफ्तगू नूं लै के चलदे आं ते तुहाडा खोजगढ़ वेखदे आं कि कीड़ियां कीड़ियां चीज़ां ने। आओ जिवें अज दी वीडियो दे विच मैं स्टार्टिंग जी दस दिता सी बाबा जी इकबाल कैसर साडे नाल ने इहनां नाल अज दी पॉडकास्ट अज दी गल्लबात जिहड़ी होएगी किस तरह शुरू किया खोजगढ़ तो की कुछ किया सारिया गलां बातें करने वास्ते। मौसम भी बाबा जी बहुत सोहना अज का तो तुसी सानू मौका दिता अज का आने का तुहाडे नाल रिकॉर्ड करने का तो बहुत शुक्रिया सारा ने। पहले बाबा जी एक खोजगढ़ पंजाबी खोजगढ़ हाँ जी पंजाबी खोजगढ़ क्यों ती बनाउण दा किवें ज़ेहन च आया? देखो जी पंजाबी खोजगढ़ ये जी मुढ़ली बुनियादी जी गल है ना वो हैगी है कि असी पिछले तकरीबन 250 साल तो या 200 साल तो जबान पक्षी असी गुलामी भोग रहे हैं। ब्रिटिश ने इत्थे इस खिते च आके पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान दिया हर सूबे दी जबाना नूं उन्हां दा हक दिता। एक कला सूबा जिहड़ा सी उह पंजाब सी जिदे कोलो उहदी मदर टंग दा हक होया गया पंजाबियों नूं बेजबान किया गया उन्हां दे कोलो जिहड़े उस वक्त तो कैदे पड़दे सन वह कैदे वापस लैके उन्हां नूं साड़िया छाड़ दिता गया। अच्छा इहदी मैं सॉरी तुहाडी गल विच ही मैं इंटरप्ट कर रहा माजरत इहदी वजह की भी पंजाब दी रेजिस्टेंस ज़्यादा सी कुछ इह प्रॉब्लम तुसीं इस वजह तो भी इहनूं दबाउणा चाहुंदे सन? देखो इहदे च कल्ली इही गल नहीं सीगी ये होर बहुत सारिया गल्लां सन जो हुण तक डॉक्यूमेंट सामने आए ने जो हुण तक सब चीज़ा आईया ने उन्हां चों एक मुढ़ली चीज़ यही है कि जदों ब्रिटिश हिंदुस्तान च आए तो सब तो पहले बंगाल च आए और उन्होंने खिलाफ़ सब तो पहली मज़ामत भी जी शुरू हुई वह बंगाल तो ही हुई। उस तो बाद अखीर दे उत्ते जदों उन्होंने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया तो महाराजा रणजीत सिंह की डैथ तो बाद उन्होंने अखीर के उत्ते जरा सी वो पंजाब को फतेह किया।
अच्छा जो पंजाब नूं फतह किया तो उन्होंने फौज के सिर्फ पांच जरनैल गोरे सन, बाकी सारी यूपी सी पी की फौज सी। उन्होंने इत्थे आके ये वेख्या कि क्योंकि बहुत वड्डा सूबा सी, एक पूरा पूरा मुल्क सी, सूबा नहीं अपने एक पूरा मुल्क सी, जिहदे च इस वक्त जिहड़ा के पी के है वह भी इस वक्त वो जिहड़ा सी वो पंजाब का हिस्सा सी। उस सूबे दे विच तुहाडा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी बहुत सारा ये शामिल सी, कश्मीर सारा शामिल सी। ये सारे इलाके मिला के एक रणजीत थी, एक गौरमेंट बनती सी और ये पंजाब गौरमेंट सी। इहदा पाया तख्त लाहौर सी, इहनूं ही गोरियां ने फतह किया और उन्होंने फिर यदि बहुत देर तिकर जिहड़ी सी मजामत का सामना करना पिया। मिसाल के तौर पर पहली मजामत उन्होंने मुतके सबराओं और अलीवाल के मुकाम के उत्ते फौज जिहड़ी लड़ी उन्होंने खिलाफ वो सी। दूसरी मजामत जिहड़ी सी फिर मुल्तान के अंदर हुई, जिथे मूल राज वगैरह ने बगावत की उन्होंने खिलाफ, अज भी यादगार मौजूद ने। उस तो बाद फिर 1857 के अहमद खां खरल और उन्होंने 1,00,000 साथियों ने जरा बगावत की, बगावत नहीं बल्कि उन्होंने अपने हक वास्ते आवाज़ चुकी, आवाज़ चुकी। फिर वो शहीद भी होए, अज भी उन्होंने उत्थे जनरल बलकरे मारन के उत्ते साढ़े तो गीत भी मौजूद ने। सो ये सारी फिर चेलिया वाली बाग, चेलिया वाली की जी लड़ाई है उत्थे दी गुजरात की, वह भी मौजूद है। सो ये बहुत सारिया बगावत ने और बहुत सारिया लड़ाइया ने जिहड़ियां असी ब्रिटिश खिलाफ दे ब्रिटिश ये वजह बड़ी और उस ये सारिया जिहड़ियां रेजिस्टेंस ने सारिया तहरीकां ने यो अंग्रेज सरकार नूं लगा भी ये पंजाब नूं थोड़ा जिहा ना दबाइए। बिल्कुल ये चोई सी कि इन्हां नूं दबाने की कोशिश की गई और इन्हां नूं तोड़िया गया। फिर जिहड़ियां रियासतां सन उन्हां दे राजा महाराजा ने ब्रिटिश उन्हां दा साथ दिता और जिहड़ी पंजाब दी अलीड सी वह उन्होंने नाल जुड़ी हुई सी और पंजाब की जी आवाम से वह उन्होंने खिलाफ मैदान जंग लड़ रही थी। सो उन्होंने ये लगा कि सानू इन्हां कोल खतरा है। दूसरा जिहड़ा वड्डा वड्डी चीज़ जी सामने आई वह ये है कि अफगानिस्तान से अफगानिस्तान के उन्होंने फौज कच्छे की, अफगानिस्तान से जाना चाहिया ब्रिटिश ने और अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते और वह भी पंजाब के थ्रू हो सकता सी, होर तो कोई रस्ता ही नहीं सी। हाँ जी। और इस तो पहले जिन्नी भी धारा हुई भी सारिया अफगानिस्तान तो पंजाब बल्ले हुई उधर हमलावर उधर आंदे जी, ये पहली बारी सी कि इधरों कोई हमलावर उस पासे गया, उस पासे गया। सो ये सारिया चीज़ा फिर इंटरनेशनल जिहड़ी सियासत हैगी कि एक बफर स्टेट कायम की जाए इन्हां दे दरमियान और ये सारिया चीज़ा मिला के एक लंबी बहुत लंबी कहानी है। सो उन्होंने पंजाब नूं दबाया और पूरी तरह दबाया और उस उन्होंने सब तो पहला जो काम किया वो यही सी कि पंजाब की जी जबान सी वो कोलों खोई गई और सानू बेजबाना किया गया। अगर असी अपना लिटरेसी रेट वेखीए तो ब्रिटिश की अपनी रिपोर्टा के मुताबिक असी उस वक्त तकरीबन 100% के करीब सी जी साढ़े लिटरेसी रेट से ब्रिटिश राज तो पहले, ब्रिटिश राज तो पहले भी और अकबर दी रिपोर्टा के साढ़े को मौजूद ने फिर उस बाद भी। तो इस करके उन्होंने इनू इस निज़ाम साढ़े तोड़िया और तोड़न तो बाद उन्होंने राज करन दी कोशिश की, राज किया भी उन्होंने, नवे तलीमी अदारे बनाए, नवियां उन्होंने अपनी सोचा दित्तियां, नवियां अकलां दित्तियां और उन्होंने नवियां अकलां दे विच असी बेअकल हो गए, नवियां अकलां च बेअकल, बेअकल हो गए। तो हुण तक ही मैनूं लगदा बेअकल तुरे आउणे वी हुण लिटरेसी रेट बेअकल तो मिसाल कि हुण ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਰਨ ਸੀ ਅਗਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਈ ਖਿੱਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ। सो खैर बहरल ये एक लंबी कहानी। तो 10 मार्च 1846 ब्रिटिश ने UPCP ते जड़े भइए सन उन्हां दे नाल मिल के मिस्टर तेजा सिंह और मिस्टर लाल सिंह दे नाल मिल के इस खित्ते ते कब्जा किया और उहदे वास्ते जनरल हॉडलिंग जड़ा उस वक्त कमांड कर रहा सी
ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਲਿਆਣੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਲਿਆਣੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋ 10 ਮਾਰਚ 1846 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸੋ 10 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲਲਿਆਣੀ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਾਲ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2001 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਪਸਥਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਸਨ ਹਸਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਲੀ ਬਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਦ ਹਮਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ 21-22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ 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 ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਕਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਨ ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
जड़े यूनिवर्सिटी के तालिब इलम ने वह आते हैं, कॉलेज के तालिब इलम आते हैं तो वो अपने थीसिस मुकम्मल करते हैं। सो उन्होंने वास्ते भी सहूलत है, जे जो जो कुछ भी साढ़े को मौजूद है ये उन्होंने वास्ते अवेलेबल अवेलेबल है, मौजूद है, वो वरत सकते हैं, बिक सकते हैं। और ये वास्ते असं उन्होंने कोई रुपया कोई चार्ज नहीं कर, कुछ चार्ज नहीं करते। वो वास्ते इको चीज़ असं चार्ज कर रहे हैं उन्होंने को, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करने कि तुम अपने थीसिस मुकम्मल होने तो बाद एक कॉपी सब दे देना तो लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाए ताकि आने वाले वो कोई दे देता कोई नहीं भी देता वो इससे ही चलता है। खैर बहरहाल इस अलावा क्योंकि लाइब्रेरी वास्ते जगह भी थोड़ी साढ़े को किताबा जी बहुत ज़्यादा ने तो वो इस तरह फिर जरा ना कुछ तो डब्बे च बंद पे कुछ जड़िया ने असी रैका शैका च लाइया ने और भी एक आम जहा माहौल है कि देसी माहौल है कि वसाइल ना होने का जरा ना वो ओद मौजूद है कि साढ़े को जिन्ने क वसीले ने उन्हें वरत रहे हैं हाँ बस वो ही असं चलने। इस तो बाद एक असं प्रोजेक्ट शुरू किया पंजाबी फिल्म का, पंजाबी फिल्म का जरा सा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ये है कि असी चाह रहे थे कि पहली पंजाबी फिल्म साड़ी 1935 बनी मिर्जा साहब। अच्छा ये मेरे वास्ते बड़ी इंटरेस्टिंग भी वो बनी फिर बॉम्बे च, बॉम्बे च बनी हाँ जी। उसकी वजह यह कि जरा बंदा पंजाबी फिल्म के बनाने से इंटरस्टड से जिदा बहुत दिल करता से कि मैं पंजाबी फिल्म बनावा वो सी के डी मेहरा और मेहरा साहब जड़े सन उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखिया इतों के प्रोड्यूसर नू किया लाहौर के जड़े सन तो उन्होंने इस पास ध्यान नहीं दिता, वो अपना स्क्रिप्ट लैके बॉम्बे चला गया और बॉम्बे जाके उन्हें जिस बंद गल की वो मन गया और उन्हें फिल्म बनाई और इस तरह पंजाबी फिल्म का जन्म होया 1935 और इस फिल्म की नुमाइश जी 29 मार्च 1935 हुई लाहौर के लाहौर च हुई। ये कुछ साउंड प्रॉब्लम आ गई सी जिंद वजह तो ज़्यादा देर चल ना सकी। फिर दूसरी फिल्म आई शीला और पिंड की कुड़ी और वह क्योंकि ज़्यादा देर चली इस वास्ते आम तौर पर लोगों को भुलेखा पैदा कि पहली फिल्म जी है शीला और पिंड की कुड़ी है जो कैसा नहीं है, लेकिन पहली फिल्म जी खुर्शीद बानो, खुर्शीद बानो जी चूड़िया जिला कसूर बॉर्न से पैदा हुई इतने जमी और इस तो बाद मुबारक खान साहब जड़े सन प्रोफेसर मुबारक खान उन्होंने तालक उन्होंने मौसीकी दी और उन्होंने तालक भी कसूर से कसूर के नाल सी। जिहड़ी दूसरी फिल्म आई शीला और पिंड की कुड़ी उहदे च एक 7 साल दे कोई बच्ची दे कप कीता और वह जिंदगी पहली बार कैमरे के सामने आई, वह बच्ची पहली बार जिहड़ी सी उन्हें अपनी जिंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड कराया लंघ आ जा पत्तर झला दा यार, तो वह मैडम नूरजहां सी उहदा तालक भी कसूर नाल सी। सो इस करके जरा ना कसूर दा असी एक दायरा तो नहीं ला सकते लेकिन यह हकीकत इतों के लोगों का काफ़ी वड्डा हाथ उवें भी हुण दा जरा जवाल इस साइड के पंजाब के जवाल जरा वा वह मैं लगता भी उन्होंने भी काफ़ी देर हो गई है जिवें आपां दूजे पार वेहने आ पाकिस्तान तो उस पार तो पंजाब दी इंडस्ट्री बड़ी उत्ते तक है बहुत ज्यादा, हालांकि शुरू पंजाब दी इंडस्ट्री जिवें लाहौर तो हुई है वी जे उहनूं मुख रख के आपां इधरली इंडस्ट्री जे भी आया जावे जिवें 1935 च पहली फिल्म बनदी आ फिर 80 दी दहाई तक एडियां वधिया फिल्मां आउंदियां रहियां बाद च वी बनदियां रहियां इहदे ते क्यों जवाल आया ते कम क्यों नहीं हो सकदा इहदे ते सारा कुछ हो सकदा असीं उहनूं ग्रो अप कर सकदे क्योंकि मैं अगे वी उधरले जिन्हें भी साढ़े एक्टर्स दोस्त ने सिंगर्स ने उन्होंने गलबात होंगी रही है तो उन्होंने जो दसी दा ना भी साढ़े को 13 करोड़ की आबादी है पंजाब की पंजाब तो हट के भी बाहर के सूबे जिहड़े पंजाबी वेखते हैं भी ग्राउंड बड़ी वड्डी है ये जे कोई इनवैसट किया जाए तो यद आउटपुट बड़ी वधिया निकल सकती। देखो जी ये आउटपुट की तुम गल की तो मैं ये चर्च करा कि 47 तो पहले और 47 तो बाद जिन्ने फिल्म स्टूडियो पाकिस्तान के अंदर बने 47 पहले इस वास्ते कि जिहड़ी
खिता अंदर लाहौर स्टूडियो जिन्हें फिल्म स्टूडियो बने ने वो सारे दे सारे उन्होंने तकरीबन 90% जड़े ने पंजाबी फिल्म की कमाई नाल बने ने। केड़ी फिल्म ने किन्ना कमाया उहदे नाल नवा स्टूडियो बनिया और बाकी फिल्मां बनदियां रहियां। सो लेकिन इत्थे एक सवाल होर पैदा हो गया, मेरी किताब भी आ रही है दे उत्ते, ते सवाल यह है कि यह जवाल जड़ा है या फिल्म नूं असीं क्यों 47 तो बाद साढ़े पेटे एक उर्दू वाले पै गए, उन्होंने एक नारा फड़िया कि जनाब हिंदुस्तान के जिहड़े मुसलमान ने उन्हां दी जबान उर्दू। भाई नहीं, जबान किसी मजहब की नहीं, जबान खिते दी, जबान खिते दी होंदी है। कि तुसी अज भी जड़े फलस्तीन और दूजे इलाके जड़े क्रिश्चन बैठे हुए ने या जड़े जूज ने वो जड़े जड़े इलाके च बैठे हुए ने उन्होंने को किसी अरबी नहीं बोल सकते, उनकी मादरी जबान तो बोलेंगे। मजहब तो होर चीज़ है ना, मजहब तो तुहाडा अपना किदा। अच्छा उस तो पहले यह कि जिन्होंने असं लाहौर स्टूडियो कहते हैं अजकल हॉलीवुड लॉलीवुड किया जाता है, ये जड़ी है ये तकसीम तो पहले पंजाब दी वर्ल्ड तो पहले ये स्टूडियो जरा सी इनू ना लाहौर स्टूडियो किया जाता सी ना लॉलीवुड किया जाता सी, बॉम्बे नू बॉम्बे स्टूडियो किया जाता सी, कलकत्ते नू कलकत्ता स्टूडियो किया जाता सी, जो कि लाहौर नू पंजाब स्टूडियो किया जाता सी, पंजाब स्टूडियो जी हाँ। और उन्होंने सब तो पहले 6 बजे उन्होंने लाहौर स्टूडियो कर दिता, लाहौर तक महदूद हो गया। फिर यदि अगली जी शक्ल बनी उन्होंने लॉलीवुड कहना शुरू कर दिता, ठीक है कोई गल नहीं, नाम च कोई एडा मसला नहीं। लेकिन एक लड़ाई शुरू हो गई वंड के नाल ही। पहली फिल्म आई तेरी याद, तेरी याद जी उर्दू फिल्म सी, उर्दू दहलियाँ 5 फिल्म जी फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म पाकिस्तान के अंदर जी कामयाब होने वाली जिन्हें फिल्म की पाकिस्तानी फिल्म की बुनियाद रखी वो फिल्म से फेरे 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 फिल्म ने दी बुनियाद रखी। और 47 तो बाद दा जड़ा लाहौर स्टूडियो हैगा है वो पहला कोई कामयाब फिल्म, पहली कामयाब इट वो पंजाबी फिल्म खुशहाली तो फिर बात शुरू हो गया सारा। और फिर से वड्डिया वड्डिया फिल्म बनिया, ठीक है वड्डे वड्डे स्टूडियो बने, लेकिन उर्दू वाले ने एक रट लाई रखी कि जी नहीं पंजाबी फिल्म नू जड़ा कोई रियायत भी नहीं दी जाएगी, पंजाबी फिल्म वास्ते कोई अवार्ड भी नहीं होएगा, पंजाबी फिल्म जनाब ये तो एक सूबे की जबान हैगी है, असी तो नैशनल लैंग्वेज हैगे हाँ। भाई कि नैशनल लैंग्वेज थोड़ी, नैशनल लैंग्वेज वो होंगी है जी नेशन की जबान हो। तुसी देखो बंगलादेश साढ़े नाल सी, कोई बंदा मैनू दस सकदा कि जिहड़ा ढाके स्टूडियो फिल्म बनदियां रही तो उर्दू तो अलावा किसी बंगाली फिल्म का नाम आता किसी नहीं आता, क्योंकि इन्होंने दीवारा खड़िया की रखी है, उन्होंने कदे इन्होंने अहमियत नहीं दी। इस तरह पंजाबी उन्होंने कदे अहमियत नहीं दी, सिंधी नूं नहीं दी, कदे इन्होंने पख्तून नूं नहीं दी। लोकल जड़ियाँ ने जड़ियाँ नेटिव ने जड़ियाँ इस धरती दियाँ जबाना ने इस धरती दिल्मां सन इस धरती के लोग सन उन्होंने इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। और उर्दू उर्दू और बस उर्दू के चक्कर दे वेचे पहले दाने पाकिस्तान तोड़िया और हुण ये पता नहीं की करूंगे। अच्छा ये ना भी फिल्म जी असल जी फिल्म है की हाँ फिल्म साड़ी सोसाइटी च जो अमल हुंदा वा जो कुछ हुंदा वा जी जी वो बुरा चंगा सारा कुछ फिल्म वो है हाँ। फिल्म उस बिहाव से बनती है लोगों जब एंड ते उन्होंने लोगों अवेयर करने वास्ते अवेयर करना तफरी देना तफरी देना सारा कुछ वो शामिल है हाँ। जे वो फिल्म जी वेखने वाले समझ लगे तो वो तो महसूस की होगा उन्होंने पता की लगू हाँ। सो इस तरह करके फिर इन्हों एक होर शुरू तो रहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश रही है कि लाहौर जोड़ा है यदा स्टूडियो खत्म करके असी कराची लै जाइए, हूँ वो कामयाब होए ने कामयाब हो कराची जाने के। लेकिन उस तो बाद प्रोड्यूस की किया दसन ना कुछ भी नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म हो गई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है कि किसी। और इन्होंने इस तासब दे विच कि जी असी अगर उधर कोई इंडियन फिल्म बनती है ना
तो वह कह लगे कि जी हिंदी साढ़े ना वक्री जबान है लेकिन फिल्म अगर बनती है तो कहते जी ये उर्दू फिल्म है बी ये फिर उर्दू फिल्म किवें होगी जे हिंदी एक वक्री जबान है तो फिर वो वक्री रवे तुम वक्रे हो वक्रे रहो लेकिन जो एक सारे गिनती बिनती कर दे तो फिर हिंदी में भी शामिल कर दे सो एक दोहरा मियार और इस चीज़ ने इस खिते की फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया और बर्बाद करके रख दिता सिर्फ इन्हों के इस तासब दे विच कि पंजाबी पश्तो और सिंधी फिल्म जिहड़ी है ये उत्ते ना सी ये सिर्फ ओदी लड़ाई सी और उस लड़ाई दे विच इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री सारी बर्बाद कर दी तबाह कर दी अज दसन ना कि इन्होंने की प्रोड्यूस किया की है इन्हों रिकॉर्ड पुछवे ने इस तरह बिल्कुल सो ये इस वास्ते ये जो चीज़ा ने इन्होंने बर्बाद किया और फिर 70 की दहाई तो बाद बल्कि 80 तो बाद जड़ा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नजायज पैसे वाले अनपढ़ और वो लोग आ गए जिन्हों के माइंड के अंदर जड़ा सी वो अगर कुछ है सी तो वह सिर्फ और सिर्फ सैक्स से या उन्होंने अंदर जड़ा सी वो मारताड़ सी पैसा कमाना सी उन्होंने कोई तहजीब कोई तमदन कोई जबान कोई इज्जत कुछ नहीं वेख्या उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की कीती उहदे च सारे बर्बाद हो गए। मैं जी निक्के होंदे ना अबे होणा दसणा भी पहलों का दौर से ना मेरे वाल साहब की 55 की पैदाइश मतलब भी 70 की दहाई गिनी फिल्म वाले तो अक्सर वो बैठे होना ना वड्डे बजुर्गों ने उन्होंने भी एक दूजे दी गल्लां सुनिया भी कमाद की ट्राली लैके जाते हैं तो रात फिल्म वेख के मुड़ के आ कमाद सुट के या कोई होर किसी कमे जाना मंडी सुट के उन्होंने फिल्म वेख के अपनी एंटरटेनमेंट पूरी करके फिर आना तो वो उन्होंने सामने जो हूँ भी क्लिप आते उन्होंने फिल्मों के वो उस चीज़ को कहते भी नहीं आ तो आ बहुत वधिया क्योंकि असं भी वेखते हैं भी उन्होंने ओरिजिनैलिटी वो सैक्स वाली सैक्चुअल नहीं है कोई इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं है मतलब भी फैमिली फिल्म सन किसी हद तक तो वह सारा कुछ खत्म हो गया। अज जड़ी है अज इंडियन पंजाबी फिल्म जी है वह हिंदुस्तान की जी मरकजी हिंदी फिल्म है वह मुकाबला कर रही है बिल्कुल और बहुत मजबूत इंडस्ट्री है और बहुत तेजी के अगे वधे ने और उस इंडस्ट्री ने जड़ा एक पंजाब की पाकिस्तानी पंजाब की जी फिल्म इंडस्ट्री गिरावट च गई सी घटती कला वाले चली गई सी उन्होंने वो भांगा पूरा किया और अज फिल्म इंडस्ट्री जी है दुनिया भर के पंजाबी फिल्म उस तरह ताकत ला मौजूद है जिम्मे पहले से सो एक फिर वेख भी सकते वेख भी सकते फिल्म और बहुत अच्छी फिल्म ने अंग्रेज फिल्म का वेख लो जो कि है और किस तरह की है सो इस तरह दर बहुत सारिया उन्होंने फिल्म बनाई बहुत सारे इशूज उत्ते उन्होंने फिल्म बनाई और अज भी वो बहुत कामयाब ने और मुबारकबाद के मौके मुस्तैक ने। अच्छा ये आर्काइव जिहड़ा वा उन्हां फिर पंजाब दी फिल्म नूं लै के आ सारा जो पहली फिल्म तो लग के ते हुण तक दी फिल्मां अजी कोशिश यही कर रहा है कि असी 2000 तक दा स्टूडियो जिहड़ा मुकम्मल कर लईए लेकिन अजे असी 1935 तो लैके तो 1947 तक असी पिक्टोरियल म्यूजियम मुकम्मल कीता है और जो चीज़ां कुछ लोगों को लभ रही ने कुछ नहीं लभ रही कित्थे गई की होया अग मौत का खेड तो इतने जारी रहा है ना लभना की है इतों लेकिन जो कुछ लभ रहा है वह बहुत कीमती वो साढ़ा आर्काइव है उन्होंने असं संभालने की कोशिश कर रहे उधर साढ़े असं एक पंजाबी फिल्म का इनसाइक्लोपीडिया भी तैयार कर रहे ठीक उधर जरा उधर का जरा काम है वह मनदीप सिद्धू कर रहा है मनदीप सिद्धू दिन रात पंजाबी फिल्म उत्ते काम करता और बहुत सारे आर्टिकल जड़े ने वह हर वीक जरा ट्रिब्यून अखबार से छपता भी है और उन्हें बहुत सारी शख्सियतों उत्ते हूँ उन्होंने दो किताबा भी आ चुकी ने और उधर वो काम कर रहे हैं इधर जड़ा पंजाबी फिल्म की पाकिस्तानी पंजाबी जरा पंजाब है इधर च बनने वाली फिल्मों उत्ते मैं काम कर रहा सो असी इस तरह करके एक मुकम्मल वड्डा इनसाइक्लोपीडिया जड़ा पंजाबी फिल्म का वो असी बना रहे अच्छा पोस्टर भी वेखे ने पोस्टर इकट्ठे कर रहे हाँ उस जिन्ना कि मिल सकते ने असी पोस्टर भी इकट्ठे कर रहे हैं और उन्होंने पोस्टर जड़े ने तकरीबन 3000 पंजाबी फिल्म जी है 2000 तिकर साड़ी बनी है पाकिस्तान दे विच ते उहदे च जिन्हें भी पोस्टर इकट्ठे कर सके कोई 1000 के करीब मेरे को है ने कोई होर जितों जितों मिलते हैं पै पोस्टर भी और उन्होंने जड़िया तारफी किताबा होंदिया सन वह भी
और इस करके चीज़ा जिहड़ियां उन्हां नूं इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आने वाले जमाने वास्ते असी इस मटीरियल संभाल सकीए और अपनी अगली नस्ल तक पहुँचा सकीए कि असी इत्थे इह भी करते रहे। अच्छा जी, ये खोजगढ़ दा इस तों हट के छोटा जिहा मैं भी दसदा जावां ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਰਫੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤਾਰਫੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15-16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਲਿਆਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਧੁੰਦਲਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਇਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਮੈਂ 89 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 89 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 7,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤਾਂਗੇ ਵੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ, ਪੈਦਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਇਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਟੈਂਪਲ ਨੇ, ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਦੂ ਤਿੱਕਰ ਇੱਧਰ ਸਭ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜੈਨ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਾਅਵ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਬਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰੀਆਂ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ 2-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਖੋਜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ
ਨਸ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।